ऐसे कोई कर्म भी है कि जितने भी अभी पाकिस्तान टीम में आ रहे, लास्ट टाइम जब जो मैनेजमेंट थी हमारी उसमें से ग्रैंड फ्लावर था यार, उसने हमें देखा है कि सारे रोजे रख रहे, उसने कहा वो है तो ईसाई, वो कह रहा मैं भी रोजा रख के देखता हूँ क्या होता है, रोजा रखे उसने। अब मैं थी हुए हेडन से जब बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि यार रिजवान मैं हूं एक ईसाई, ईसाई फैमिली से ना, मैं वहां से बच्चा था बड़ा हुआ फार्मर हूँ, सारे किसान हुआ कम्युनिटी ईसाइयों की है। तो उसने आखिरी अल्फाज से हमारे जब मुलाकात हुई यही कहा था कि यार मुझे बता दो मेरा क्या कसूर है, मैं तो ईसाई वगैरह में कहता हूँ मेरा कसूर क्या है। तो मुझे आप लोगों से सवाल है, क्या मां के अल्लाह पाक हम सबसे पूछेगा नहीं कि उसको दिन नहीं पहुंचा था मैं पीवड़न को, वो सही वगैरह में बड़ा हुआ था उसको पता नहीं था कि अल्लाह जल्ल जलाल नबी अलैहिस्सलाम के तरीके आखिरी नबी है, पता नहीं था। ये काम मेरे और आपके जिम्मे है क्योंकि अल्लाह जल्ल जलाल ने मुफ्त में चीजें दी हुई है। ये इस कलमे की गदर जाके यूसुफ भी से पूछ ले कोई, जब यूसुफ के हालात है ना हमारे पाकिस्तानी में जो प्लेयर थे उसके साथ भी बैठ उससे पूछे कि यूसुफ भी बताएं जरा कलमे की गदर, फिर वो आपको रो रो के बताएंगे क्योंकि हम लोग हमें तो मुफ्त में मिला हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुफ्त में मिला हुआ है ना, घर से बिल्कुल माँ बाप मुसलमान सारे मुसलमान, जो ईसाई जो कफार जो जो यहूदी सारे मुसलमान से पूछ रहे कदर उनके पास। तो आप सब सब हजरात से गुजारिश है कि अपना अपना हिस्से में से कुछ जिंदगी में से कुछ नियत कर ले अल्लाह के रास्ते में लगाएं।